अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो की आयो अज आऊं तवां जी सिंधी जी टीचर में फिरोजा अज तवां के सबक सचल सरमस पढ़ाईंदी। सचल सरमस जो असल नालो अब्दुल वहाब आहे। संदस जन्म 1849 में खैरपुर जिले में ही एक नंजड़े गोठ दराजन में थियो। संदस वालिद संदस नंढे हूंदे ही लाडाणू करे वियो, जै सबब करे संदस चाचे मियाँ अब्दुल हक संदस सार संभाल लदी। सचल सरमस का असल नाम अब्दुल वहाब आई, जो मुकम्मल नालो अब्दुल वहाब फारूकी आहे। संदस जन्म 1849 उनका जन्म 1839 में खैरपुर के ज़िले के एक छोटे से गांव दरादन में हुआ और उनकी पैदाइश से पहले उनके वालिद की वफात हो गई और उनकी परवरिश उनके चाचा अब्दुल हक ने की। सचल सरमस पेंजे मिजाज में घट गालायण वारो आई खे सकलाई पसंद हुई। हू थोड़ो सुमंदो आई खाइंदो हो। हू शरीयत से पूरो आई रोज़े नमाज जो पाबंद हो। सचल सरमस अपने मिजाज में कम बोलने वाला और अकेला पसंद था। वो कम सोता और कम खाता था। वो शरीयत पर पूरा होता था, रोज़े और नमाज का पाबंद था। हू कमाल दर्जे जो शायर हो आई रूहानी तौर ते एक सूफ़ी आई संदस कलाम 7 जबानंत में आए। वो एक कमाल दर्जे के शायर थे, रूहानी तौर पर वो एक सूफ़ी और उनके कलाम 7 जबानों पर मुश्तमिल। ख़ास तौर पर सिंधी सराइकी फारसी उर्दू जबान में शायरी, उनमें उनका सच्चो सच्चल और आशकार तखल्लुस बहुत आम है। सचल सरमस सन 1827 में वफात कई। संदस विसाल की तारीख 14 रमज़ान ते दराजा में हर साल वडो मेलो लगंदो आहे, जैमें अदबी कॉन्फ्रेंस बुक उठाई वेंदी आहे, जैमें आयल मेहमान सचल जे फन फिकर आई शायरी ते गालाईंदा आहे। सचल सरमस सन 1827 में वफात की। उनके विसाल की तारीख 14 रमज़ान है। दराजा में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां अदबी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां पे आए गए मेहमान सचल के फ़न फिकर और उनकी शायरी के मुतालिक बातचीत करते हैं। हाँ तुम पांजे स्टडी पेज की तरफ हिंदा तवा के सबक चंगी तरह समझ में अची वो हों। हाँ जी तवा के समझाया वो है इन्हीं तरीके से तुम पानी कापी में पेरी टाइटल चाहिंदा आई पो तवा लिखाई करे कम शुरू कंदा। अल्लाह हाफिज़।